प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मातृवंदना कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले मौखिक प्रश्नों पर चलते हैं। बाधाओं में कवि किसे याद रखना चाहता है? तो मातृभूमि को कवि याद रखना चाहता है। कवि भारत माँ के चरणों में क्या अर्पित करना चाहता है? अश्रु जल अर्पित करना चाहता है। क्या अर्पित करना चाहता है? अश्रु जल। प्रस्तुत कविता में किसके लिए वंदना की गई है? तो मातृभूमि के लिए वंदना की गई है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मातृवंदना जो कविता है उसके रचयिता कौन है, यानी उसके कवि कौन है? तो आपको जैसे पता ही है, इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसमें सही विकल्प आपने चुनना है, चार विकल्प दिए हुए हैं, तो सही विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा जो इसका प्रश्न है वो है, नर शब्द का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची होता है बेटे समानार्थी, मतलब इसी के समान जो अर्थ रखने वाला शब्द है वो हमने इनमें से ढूंढना है। तो पुष्प नर का पर्यायवाची नहीं होता, माता भी नहीं होता, वानर भी नहीं होता, मनुष्य जो होता है नर का समानार्थी या पर्यायवाची होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा मनुष्य। भारत माँ की को स्वतंत्र कराने के लिए कौन सब कुछ नछावर करने को तैयार है? तो कवि जो है अपना सब कुछ नछावर करने को तैयार है। तीसरा जो प्रश्न आता है वो है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो पहली पंक्ति है जीवन के, तो इसका आगे आ जाएगा रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर। दूसरी पंक्ति है दृग्जल से पाप बल बलि कर दूं, जननी जन्म शम संचित फल। तीसरा आता है तेरे चरणों पर देखकर बलि सकल श्रेष्ठम संचित फल। तो ये है इसकी पंक्तियों को हमने पूरा करना है, आधी अधूरी पंक्तियां इसमें दी हुई हैं। उसके बाद हम भाषा की बात पर चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट पेज निकाल लीजिए। इसमें सबसे पहले भाषा की बात में निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है आग में घी डालना। तो आग में घी डालना का मतलब होता है किसी बात को बढ़ाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग आप किसी भी नाम से कर सकते हैं, किसी का भी। जैसे रमन ने साहब को भड़काकर आग में घी डालने का काम किया। तो दूसरा मुहावरा है हमारा आग बबूला होना, इसका मतलब होता है गुस्सा होना। रोहन छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाता है, इसका किसी भी तरह आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। मुंह में पानी आना, इसका मतलब होता है जी ललचाना। आम को देखकर राम का जी ललचा गया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थों में से अलग अलग वाक्य बनाने हैं। बलि शब्द है, भगत सिंह ने देश के लिए प्राणों की बलि दे दी। तो एक तो बलि हो गया, बलि का मतलब होता है अपने प्राण न्यौछावर कर देना। तो भगत सिंह ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, मतलब त्याग कर दिया। तो दूसरा बलि जो है वो प्राचीन काल में बलि नामक राजा राज्य करते थे। तो ये बलि जो हो गया वो मनुष्य का नाम हो गया। तो दूसरा जो आता है हमारा आता है मन। कल मुझे सवा मन अनाज चाहिए, मतलब अनाज की क्वांटिटी है ये। मन का मतलब मन से 40 किलो होता है, 40 किलो को मन बोलते हैं, ठीक है। कल मुझे सवा मन अनाज चाहिए। तो दूसरा मन, हमारा मन मतलब हमारा हृदय, मन के हारे हार है। जीवन, तो जीवन का कैसे वाक्य बनेगा? जीवन में सदा खुश रहना चाहिए, मतलब अपनी जिंदगी में सदा खुश रहना चाहिए। उसके बाद जीवन का, उसने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन नछावर कर दिया, जीवन बलि कर दिया या नछावर कर दिया। फिर आगे है शुद्ध शब्द छांटकर खालिस्तान, आपने खालिस्तान भरना है, खालिस्तान में लिखना है। जैसे चढ़, चढ़ कौन सा सही है?
चढ़ जिसके नीचे बिंदी लगी हुई है ढ के, वो है चढ़ बड़ा, और एक बड़ा जो है बिंदी वाला जो नीचे बिंदी लगी हुई है वो बड़ा सही है। उसके बाद है डलिया डलिया डलिया, बूढ़ा बूढ़ा, पड़ा पड़ा, थोड़ा थोड़ा। देखो एक आप शब्द देखो जिसके नीचे बिंदी लगी हुई है थोड़ा के नीचे वो सही है, पड़ा भी जो बिंदी लगी हुई है वो सही है, पंडित 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 में ऊपर बिंदी आ गई है पैके, तो पंडित जो बिना ढ के नीचे बिंदी नहीं है वो वाला पंडित ठीक है, दृढ़ दृढ़ में ढ के नीचे बिंदी है वो वाला दृढ़ ठीक है। तो आपने सही जो शब्द है इसमें लिखने हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए, इस पे आपने सही या गलत पर, इसमें दिए गए शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द पर सही का निशान आपने लगाना, यानी इसका जो समानार्थी शब्द है उस पर आपने सही का निशान लगाना है। पुष्प, पुष्प का जो पर्यायवाची होगा समानार्थी होगा वो कुसुम होगा। नेक्स्ट है पथ, पथ का जो समानार्थी या पर्यायवाची होगा वो होगा मार्ग। तो ये बुकवर्क था पहले लेसन का जो हमने पूरा कर लिया। तो आपने अपनी बुक्स के ऊपर ये जो फिलअप्स हैं ये सारे आपने फिल करने हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।